जितनी ही खूबसूरत ये सुबह है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास है उससे अधिक आने वाला कल हो। तो आज आपका दिन मंगलमय हो और भगवान करे सब खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, सबको खुशियाँ मिले। और तो बस आज है मंडे और मंडे का मेरा रूटीन जो है चालू हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दाल और मेरा नहाना धोना हो गया, पूजा भी हो गया है। और सर्दी तो बहुत पड़ रही है क्योंकि दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है, और पर सर्दी तो हर जगह ही पड़ती है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। तो बस यहाँ पे मैं दाल जो है डाल दी हूँ और खाना तो मेरा सुबह ही बन गया था। तो आज मैं खाने में बनाई थी आलू मटर पत्ते गोभी की सब्ज़ी और जो है मेथी का पराठा। तो बस जो है मैं ये जो है शैतानी करने में लगा हुआ है, बाहर नीचे जाने के लिए परेशान कर रहा है। तो मैं नीचे जब बैठती हूँ गली में तब जो है जाने देती हूँ क्योंकि अकेले छोड़ने लायक नहीं है। गाड़ी मोटर सब आते रहते हैं तो डर लगता है। और उसके बाद खाना खाने का टाइम हो गया तो मैं बस बच्चों को खाना दे रही हूँ और मैं अभी खा ले रही हूँ। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12:30। तो खाना जितनी जल्दी खा लो उतना ही सही रहता है। बेटाइम खाना खाने से जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती हैं। और आजकल मेथी मेरे घर में बहुत बन रहा है, मेथी का पराठा, क्योंकि बच्चे सब्जी कम पसंद करते हैं, साग कम पसंद करते हैं। उनको मेथी का पराठा, बथुआ का पराठा, पालक का पराठा दे दो तो बड़े मन से खा लेंगे। पराठे के नाम से उनको मतलब बड़े मन से खा लेते हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो है, और तो बस तो खाना खा लेंगे उसके बाद सारा काम डन हो गया है। और थोड़ी सी धूप में बैठेंगे, धूप इतना अच्छा खिला हुआ है तो अभी तो धूप निकल रहा है लेकिन सुबह सुबह जब कोहरा सब छा जाता है तो लगता है कि आज धूप नहीं निकलेगा, लेकिन फिर उसके बाद 9-10 बजे के बाद फिर हल्का हल्का धूप दिखाई देने लगता है तो अच्छे से धूप निकल जाता है, बैठ जाओ तो गर्मी लगने लगती है। तो बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी आलू मटर पत्ते गोभी की सब्जी, दाल, पराठा, चटनी और चावल मैं थोड़ा सा बाद में लूँगी। और खाना खाने के बाद जो है मैं साथ के साथ जो है बर्तन धुल के किचन साफ़ कर देती हूँ, फिर शाम को जो है मुझे साफ़ सुथरा किचन मिलता है और सही रहता है। फिर खाना खाने के बाद धूप में बैठ जाओ फिर उसके बाद नीचे आओ काम करने तो बहुत मतलब बहुत कष्ट होता है, आलस लगने लगता है। और उसी समय जब काम कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, किचन भी अच्छे से जो है सूख जाता है। तो मैं उसी समय अपना काम वाम करके किचन का, उसके बाद फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, बच्चों को भी थोड़ा सा जो है, वैसे तो ये लोग बैठते नहीं लेकिन मैं ज़बरदस्ती जो है बैठाती हूँ धूप में। और आजकल धूप तो बहुत अच्छा खिल रहा है। मैं अब काम को ही जाऊँगी, थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, सुबह से लेके जो है शाम मतलब रात में लाइट, मतलब रात में क्या 5:30 बजे लाइट आई, लाइट नहीं थी तो बच्चों को आज मैं नहला नहीं पाई। और सक्षम तो नहा लिया ठंडे पानी से और ये नहाने में आना कानी कर रहा है। नहीं, अगर कपड़ा गंदा हुआ तो मैं तुम्हें नहला दूंगी। नहीं हो रहा। हाथ दिखाओ अपना, दोनों हाथ दिखाओ, गंदा नहीं है? मैं नहला दूंगी, देख लेना। चलो नहा लो। नहीं नहीं, चलो भाई नहा रहा है। नहीं, चल लो। आपने मना किया है। क्या मना किया है? नहाने से। नहाने से मना किया है तो फिर मिट्टी क्यों पोत रहे हो? मैं कहाँ पोत रही हूँ, इसमें तो सूखा गिरा रहा हूँ। कहाँ गिरा रहे हो? ठीक है।
और ये मिट्टी में खेलने के लिए इतना बेचैन हो रहा है, इसको इतना मज़ा आ रहा है बालू में खेलने के लिए, मैं इसको खेलने नहीं दे रही हूँ तो बहुत वो हो रहा है। उस बार बार बालू को हाथ में लेगा और उसके बाद फिर जाके हाथ धुल लेता है तो पूरा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मांग रहा था मोबाइल, इसको मिला नहीं तो जो है गुस्सा हो गया। और मैं उसे बच्चों को मोबाइल देती नहीं हूँ, लेकिन बाय चांस होता है कि अगर 5 मिनट के लिए दे दी तो भले दे दी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। बच्चे चाहे रोए चाहे जो करें, तो बस। और आज अभी जो है रात का टाइम है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाने में आज बनाऊँगी तहरी। तो मैंने यहाँ पे जो है गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, सब ये सब मैंने कट कर लिया। और थोड़ा सा मटर था उसको भी मैंने जो है ग्राइंड कर लिया। तो ये मेरी छोटी वाली मिक्सी जो है इसको मतलब बहुत यूज होता है, तो इसका नीचे का रबड़ जो है ढीला हो गया तो चल नहीं पा रहा है, तो इसको मैं चॉपर में चॉप कर दूँगी मटर को। और मटर को पीस कर अगर बनाए तहरी तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है और आज सबका मन कर रहा है तहरी खाने का, क्योंकि सर्दियों में तो तहरी का मज़ा ही तो कुछ और है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है सारा सामान तैयार कर लिया है, हरी मिर्च और अदरक ये सब रख लिए हैं, बाकी जो मैंने सामान काटे थे वो। और ये है मटर और अदरक को मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो सर्दियों में जो है तहरी मतलब निमोने वाली तहरी और ये गोभी मटर जो डालकर बनता है ये वाली तहरी, ये सब बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। हींग जो है शाम के टाइम यूज करना चाहिए, कुछ भी बनाओ लेकिन थोड़ा सा हींग जो है ज़रूर डालना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो है प्याज कट करके डाल दिया है, हरी मिर्च और ये है अदरक कद्दूकस करके डाल दिए हैं। तो कुछ भी अगर बनाओ अगर लहसुन और अदरक का वो ना डालो तो फिर बेकार ही है। तो बस यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगी और आलू अच्छा सा भून जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है सारे धीरे धीरे सारे मसाले डाल देंगे। सॉरी अभी मतलब आलू डालना है, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी गोभी। तो मैं ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का जो है तेल में मिक्स कर लूँगी। इसके बाद ये मैंने जो है चॉप किया हुआ मटर था ये मैं डाल दूँगी। मटर खड़े से ज़्यादा जो है पिसे हुए अच्छे लगते हैं अगर मतलब जैसे बनाओ तहरी में, तो इसका स्वाद अलग ही आता है, बहुत टेस्टी अब लगता है। और यहाँ पे मैंने गाजर डाल दिया है, शिमला मिर्च डाल दिया है और इसको बस थोड़ा सा बस ऐसे हमको भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना। और नमक डाल देंगे और तेल मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, क्योंकि जो है तेल मेरे घर में बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि जो है चाचा को भी नहीं पसंद। उसके बाद चावल मैंने धुल लिए हैं और इसके बाद मैं इसमें जो है पहले मसाले डालूंगी, तब उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लूंगी, तब उसके बाद पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला ये इतना डाला, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है, बहुत थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बिरयानी का स्वाद आने लगेगा। और यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके डाल दिए हैं और बस इसको धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। मसाला भुन गया, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चावल और उसके बाद डाल देंगे पानी। पानी के बाद जो है इसमें प्रेशर लगा देंगे, बस एक सीटी लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो चावल बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा तहरी। और मुझे ना बहुत सूखा बनाना है ना बहुत गीला बनाना है, तो बस हिसाब से हम पानी डाल देंगे जितना मतलब चाहिए तहरी में। और तो बस ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
और प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बस तो यहाँ पर मैंने चीटी लगा दिया है और उसके बाद ये मेरी तहरी बनकर रेडी हो गया है और इतना अच्छा इतना टेस्टी बना था, मैंने बहुत जल्दी और बहुत सिंपल से सा मतलब बनाया है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम कुछ नहीं किए हैं। तो बस ये और तहरी जो है मैं गरम गरम निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही मज़ा आता है खाने में, ठंडा हो जाने पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।